कुछ समय पहले की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर सुंदर सुंदर बादलों में एक परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परीलोक की रानी परी की दो बेटियां थी, मोहिनी परी और सोनिया परी। कहने को दोनों जुड़वा बहने थी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर था। जहाँ मोहिनी परी के दिल में मदद करने की उत्साह है और प्यार भरा था, वहीं दूसरी तरफ सोनिया के दिल में बहुत काला था। वो ना ही कभी किसी की मदद करती थी और ना ही किसी की मजबूरी समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों की शादी का समय आ गया था, इसलिए एक दिन रानी परी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटी, जादूगरनी ने अपने दोनों बेटों की शादी तुम दोनों से करने का प्रस्ताव रखा है। अरे मम्मी, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जादूगरनी को कौन नहीं जानता। अगर मेरी वहाँ पर शादी हो जाती है तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, और शक्तिशाली के साथ साथ अमीर भी। मम्मी, हमारी शादी से पहले हमें एक बार पृथ्वी लोक घुमा कर ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। रानी परी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है, और तुरंत ही रानी परी अपनी दोनों बेटियों को पृथ्वी लोक ले जाती है। उसके बाद तीनों बहुत शॉपिंग करती हैं, बहुत कुछ खाती पीती है, और अगले दिन सुबह होने का इंतजार करती है। क्योंकि वो परीलोक में सुबह ही जा सकती थी, इसलिए मोहिनी परी और सोनिया परी थोड़ी देर के लिए घूमने निकल जाती हैं। थोड़ी देर घूम फिर कर दोनों बहनें जंगल के बीच से वापस लौट रही थी कि तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत बहुत बीमार दिखाई दे रही थी। तभी मोहिनी परी उनसे कहती है, दादी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आपका घर कहाँ पर है? मोहिनी, तो छोड़ ना, क्या इस बुढ़िया के पीछे लग गई? हमें सुबह परीलोक वापस जाना है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। इन जैसे भिखारियों के चक्कर में रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है। वो कैसे ना कैसे बुढ़िया को होश में लाती है और उसको उसके घर छोड़ देती है। मोहिनी देखती है कि उसका घर बहुत टूटा फूटा हुआ है। इसके बाद मोहिनी अपने हाथों से उस बुढ़िया के लिए खाना बनाती है, और बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, बेटी, मैंने पहले सुना था कि परी बहुत नरम दिल होती है, लेकिन आज देख भी लिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद करी। बेटी, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता, और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन? अब तो मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। बस आखिरी इच्छा ये है कि अपने बेटे की शादी देख लूँ। बुढ़िया की बात सुनकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, अरे ये अम्मा तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैं इनकी ख्वाहिश को ठुकरा भी नहीं सकती। आप परेशान मत होइए, मैं आपके लड़के से शादी कर लूँगी। मोहिनी के इतना कहते ही बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है, और वो अपने बेटे की शादी मोहिनी से करवा देती है। जब इस बात की खबर रानी परी और सोनिया को पड़ती है, तो वो दोनों तुरंत ही मोहिनी के पास आ जाती है, और रानी परी गुस्से से मोहिनी की सारी शक्तियाँ छीन लेती है, और जादुई छड़ी भी छीन लेती है, और कहती है, मोहिनी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी। क्या तुम पृथ्वी पर इसीलिए जाना चाहती थी कि तुम इस गरीब से शादी कर लो? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैंने जादूगरनी के बेटों से तुम दोनों बहनों की शादी तय कर दी है। अब तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम रहो इस गरीबी में। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मोहिनी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानी परी मोहिनी की एक नहीं सुनती, और वहाँ से परीलोक लौट जाती है, और सोनिया की जादूगरनी के बेटे से धूमधाम से शादी करा देती है। सोनिया जादूगरनी के बेटे से शादी करके और भी ज्यादा अमीर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी उस गरीब परिवार में हंसी खुशी रह रही थी। वो अपने पति के साथ खेतों में काम करती थी, और साथ ही घर का काम भी करती थी। गरीबी के कारण मोहिनी को कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अकेले पृथ्वी पर मोहिनी के पास आती है। बहन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैं तो ये सोच रही हूँ, तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तुझे पता है मैंने जादूगरनी के बेटे से शादी कर ली,
और मैं बहुत अमीर और शक्तिशाली हो चुकी हूँ। जरा अपने कपड़े तो देख, कितने फटे पुराने हैं। तुझे देखकर कहीं से नहीं लगता कि तू पहले एक परी थी। मैं यहाँ पर अपने पति और सास के साथ बहुत अच्छा जीवन काट रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है और उस प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें याद है, कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हारा भी। अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तुम इस गरीबी में रहते हुए सब भूल गई होगी। वैसे मैं तो तुम्हें अपने जन्मदिन में इनवाइट करने आई थी। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे जन्मदिन पर आने की। और हाँ, अगर आओगी तो थोड़ा ढंगे कपड़े पहन कर आना, क्योंकि मेरी सारी अमीर अमीर परी दोस्त आएंगी। कहीं ये फटे पुराने कपड़े पहन कर मत आ जाना। सोनिया परी अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करने लगी थी। ऐसा कहकर सोनिया परी वहाँ से चली जाती है। मोहिनी को अपनी बहन की बात का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन मोहिनी अपनी बहन के बर्थडे में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, सारे फटे पुराने ही थे। वो सब देखकर मोहिनी की सास मोहिनी से कहती है, बेटी मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। कहाँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, ना तुम मेरे बेटे से शादी करती और ना आज तुम अपने घर वालों से दूर होती। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ। और हाँ बेटी, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं तुम्हें शुभकामनाओं के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकती। माँ जी, आपसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मुझे बस आपकी शुभकामनाएं ही मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में प्यार है तो सब है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं और राहुल मेरी बहन के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। सोनिया ने अपने बर्थडे की पार्टी पृथ्वी पर ही रखी थी। मोहिनी अपने पति के साथ सोनिया के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। मोहिनी अपने जमा किए हुए पैसों से सोनिया के लिए तोहफा ले जाती है, लेकिन सोनिया उस तोहफे को दूर फेंक देती है और कहती है, ये क्या मोहिनी की बच्ची, मैंने तुझे इनवाइट किया था, इस गरीब फटीचर को नहीं। तू इसे अपने साथ लेकर क्यों आई है, और तू मेरे लिए इतना मामूली सा गिफ्ट क्यों लाई है। अगर तेरी औकात नहीं थी तो तू मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर बर्थडे पार्टी में आएगी तो अच्छे कपड़े पहन कर आना। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है, चल भाग यहाँ से। सोनिया मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरे और मेरे पति की वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तो हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। और हाँ, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरीब बहन तुम्हारी इस रहीसी पार्टी से जा रही है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने पति के साथ वापस अपने घर आ जाती है। मोहिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी और उसका पति खेत में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें खेत के अंदर हीरे से भरा हुआ मटका मिलता है। सुनिए जी, देखिए इस मटके में कितने सारे हीरे हैं। लगता है हमारी किस्मत चमक उठी। अब हम इन हीरों की मदद से अपना काम शुरू करेंगे और उस काम में जी जान से मेहनत करेंगे। वो सब देखकर मोहिनी का पति और उसकी सास बहुत खुश होती है। मोहिनी अपनी समझदारी से हीरो का सही जगह इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोलती है। दोनों पति पत्नी बिजनेस को इतना ग्रो कर देते हैं कि वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके पास 10-10 गाड़ियां और 8-8 बंगले हो जाते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी ने चालाकी से अपने बेटे की शादी सोनिया परी से कराई थी, ताकि वो रानी परी और सोनिया परी से उनकी शक्तियाँ छीन सके और परी लोक पर राज कर सके। जादूगरनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। धोखा देना तो मेरे खून में बसा है, तुम्ही तो मेरे लालच में आई थी, और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब इस लोक की रानी मैं हूँ, अब अगर तुम दोनों यहाँ नजर आए तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। जादूगरनी ने रानी परी से सब कुछ छीन लिया था। दोनों माँ बेटी पृथ्वी पर आकर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती है। एक दिन मोहिनी और उसका पति गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी मोहिनी देखती है कि उसकी माँ और बहन रोड पर कटोरा लेकर बैठी हुई थी। अरे मम्मी, आप तो परीलोक की रानी थी, फिर आप ऐसे रोड पर कटोरा लेकर क्यों बैठी हो, और सोनिया तुम भी, आखिर बात क्या है।
बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली थी और तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। दरअसल जादूगरनी ने पहले चालाकी से सोनिया से अपने बेटे की शादी करवाई और बाद में उसने मेरी और सोनिया की शक्तियाँ छीन ली और आज वो परीलोक पर राज कर रही है। बेटी यही कारण है कि आज हम पृथ्वी लोक पर भीख मांग रहे हैं। मोहिनी को अपनी बहन और माँ से कोई भी शिकायत नहीं थी। अब वो अपनी माँ और बहन को अपने महल जैसे घर में ही अपने साथ रख लेती है। अब सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसी ही एक दिन, चंपा सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देते हैं। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर दो पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों ना झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी, राजकुमारी सोनपरी आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वी लोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है, क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुरा कर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपने सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी, अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी अब आप जल्दी से परलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, अब चलिए वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परीलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो, अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी।
वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गांव की लड़कियाँ मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा, पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ दिन बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है, इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खा कर दे दिया होगा। भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिल मिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए, हमारे सारे बाल जल गए, अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से, अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं, गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डर कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती हैं। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं? मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपने जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी, वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी
और तुम गाँव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गाँव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी। भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे, मेरे पास जादुई छड़ी है जिसे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गाँव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलिशान बंगले में जा पहुँची और अपने जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े, परी जी आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गाँव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी, आखिर जैसी भी है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफ़ी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोन परी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी।